हेलो गाइस, आप देख रहे हैं केशव फैमिली ब्लॉग। और आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ पास्ता। आज मेरा मन कर रहा है पास्ता बनाने का, तो आज मैं पास्ता बना रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी, मटर डाल दी थी, तो मैंने सोचा हाथों हाथ वीडियो भी बना लूँ मैं। तो गाइस, अभी मैंने सिर्फ तेल डाल के प्याज गर्म करी और फिर उसके अंदर मटर डाले, फिर अब और चलाता हूँ। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर फिर मैं आलू डालूँगा। अब इसके अंदर गाइस पास्ता मसाला डालना है, ये रहा, ये देखिए। फिर गाइस इसके अंदर आलू डालने हैं, फिर इसके अंदर नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल दो आप। और फिर गाइस इसके अंदर शेजवान चटनी डालो आप। मैं तो आज ये डाल के बना रहा हूँ, देखता हूँ कैसे बनेगी, पहली बार बना रहा हूँ। अब देखिए गाइस, हमारा ये मसाला तो रेडी है। अब इसके अंदर आपको पास्ता डालना है, ये देखिए, इसको मिलाना है। अब गाइस जब सब रेडी हो गया तो इसके अंदर फिर आपको पानी डाल देना है, ये देखिए गाइस। और गाइस आज मैंने इसके अंदर बहुत सारा मसाला डाल दिया है, तो उसकी वजह से हल्दी आपकी मर्ज़ी है, डालो या ना, मैं तो नहीं डाल रहा आज। आज देखते हैं बिना हल्दी के कैसे बनेगी। तो अब गाइस इसे ढक देते हैं, ये ढक दिया है। तो अब जब बन जाएगी तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, हमारा पास्ता हो चुका है रेडी, एकदम परफेक्ट। और आपको सही से दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट हो चुका है। आलू भी आराम से कट रहे हैं। हमारा पास्ता हो चुका है रेडी। अब गाइस ये हो गया अक्की का पास्ता। अब अक्की को देखकर आते हैं। अक्की, आपका पास्ता। और ये रही मेरी दो गाड़ी और मेरा एक घर। ओके, ये छोटे बच्चे की गाड़ी है और ये बड़े बच्चे की गाड़ी है। अच्छा, और अब क्या तोड़ दिए गाड़ी? टूटी नहीं है तो मैंने नहीं तोड़ी, ये अपने आप टूट गई। अच्छा, इसकी चक्की मुझे बना दी मैंने। अभी तोड़ के पड़ेगा, चलो खाना खा लेते हैं। पहले खाना खाओ, बैठो। तो गाइस ये रहा अक्की का पास्ता, और ये देखो अक्की को, अभी गरम है, गरम है, अभी गरम है। पहले इसे मिला तो लो। मिला लो। तो गाइस ये देखो, मम्मी कपड़े धो रही हैं और ऊपर देखो। तो गाइस मम्मी कर रही हैं पूजा, और मैं अभी ये कपड़े ऊपर लेकर जाता हूँ छत पे, और आपको छत को दिखाता हूँ, देखो कितने दिनों से धूप नहीं निकली। तो गाइस ये आ गए हम छत पे, और ये रहे हमारे कपड़े। जब हमारी मशीन ख़राब हो गई थी, आंटी जी की मशीन में अब कपड़े सुखाएंगे हम। ये देखो इधर की साइड में नया घर बन रहा है, और देखो कितने दिनों से धूप नहीं निकली है, और इतनी ज़्यादा ठंड में मशीन ख़राब हो गई, बड़ी बुरी हालत हो गई। देखो ठंडे पानी में कपड़े धोने पड़ रहे हैं, वो भी इतना चिल्ड पानी, बड़ी बुरी हालत हो रही है। और ये अभी मशीन चल रही है। मम्मी क्या कर रही हो? मैं बस कर रहा हूँ कपड़ों के लिए। अच्छा, पूरी आलू की सब्जी है, सूखे अच्छा। आलू और अच्छा। आप सूखे आलू से खा लेना, मैं चाय से, पूरी और चाय, चाय और पूरी। हाँ, आलू की सब्जी से नहीं, आप खा लेना उससे। ये बच्चे ना सब्जी खाना पसंद नहीं करते, सब्जी खाया करो। नहीं हाँ, पता नहीं कैसे बच्चे हैं आपके, बच्चे हैं आपको पता होगी कैसे बच्चे हैं। तो गाइस आ जाइए और आप भी खाइए, नाश्ता हमारे साथ करिए, आप भी, हमारे बच्चे तो ऐसे हैं। चलो गाइस, अब मम्मी मेरे लिए तो
चाय, अचार और पूरी ले आई है, और अक्की के लिए अक्की का केचप खाओ। और पूरी। ये रही मेरी चाय पूरी और ये रहा अचार, अक्की की केचप और पूरी। ओ गाइस देखो, हमने हीटर लगा रखा है, इतनी तेज ठंड हो रही है। तो गाइस आप भी खा लो, आ जाओ। ना सब्जी ले आऊं? क्यों, मैं ऐसे खाऊंगा। ऐसे खाएगा? और आप भाई साहब, सब्जी लिया? सब्जी क्यों, सब्जी अच्छी नहीं लगती? तो गाइस देखो, इसने डबल डबल कैप लगा रखी है। तो गाइस देखो, अक्की ने ना डबल डबल कैप लगा रखी है, कैसे लग रहा है? जादू लग रहा है, जादू। मैं डबल डबल कैप इसलिए लगा रखी है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। बहुत ठंड हो रही है हैं? तुझे ठंड लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे। मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे गाइस। चलिए, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। अक्की कैसे खा रहा है? ओ, एक आंख तो दिख रही है अक्की की, दूसरी नहीं दिखाई दे रही। ओ अब दिख गया भाई। देखो देखो, इनमें होने लगी, खाते पीते भी। ये देखो, अब कुछ देर में होने वाली है ना लड़ाई। ये बहुत शैतान है, ये जो बैठा ना, ये बहुत शैतान है। ये है बहुत शैतान, ये बड़े लिया है, बड़े लिया। बहुत शैतानी करते हैं। चलो खाओ आराम से। तो गाइज हमने काम कर लिया है, सुबह सुबह का, और हम सब बैठे हुए हैं और मूंगफली खा रहे हैं। आप भी खा लीजिए। देखो हम सब मूंगफली खा रहे हैं बैठे हुए, सामने हीटर लगा हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अब सोचा थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ जाते हैं, और अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं तो इसलिए मैंने भी सोचा थोड़ी देर बच्चों के पास बैठ जाए। गाइस बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऊपर तो जाने का मन ही नहीं कर रहा छत पे, और हमारी मशीन ख़राब हो चुकी है, कपड़े धोने वाली जो वॉशिंग मशीन वो ख़राब हो चुकी है, तो हाथों से ही कपड़े धोने पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कपड़े हाथों से धोए। देखो ये क्या कर रहा है बदतमीज, ऐसे करते हैं। हाय करो। हाय। ठंड बहुत ज़्यादा है, सब अपना ध्यान रखें। और मुरादाबाद के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी मैं आपको बहुत बन के दिखाता हूँ। ये देखो, ये पागलपंती दिखाता रहता है, इससे तो ये पागलपंती आती है इस लड़के से। देखो, और एक इनको देखो भाई साहब, इन भाई साहब को देखो, फोन देखते रहते हैं रोज। इनको कुछ पता ही नहीं, बैठ भी नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तकलीफ है भाई, इससे बोलती हूँ ब्लैंकेट के अंदर बैठ जा, सुनता नहीं है बिल्कुल भी, बैठेगा नहीं। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इन जज्जन को? तकलीफ ये है ठंड बहुत है, तो दोनों के दोनों यहीं पर बैठो, ठीक है, बाहर नहीं जाना। तो मैं इन लोगों को मैं छत पे भी नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, और ठंड कुछ बहुत ज़्यादा ही हो रही है, उठा नहीं जा रहा, जो मौसम मन नहीं कर रहा कि उठो बिस्तर में से। मौसम सही हो जाएगा ना, जो हमारे पास में जो पार्क है, मैं हर रोज घूमने जाऊंगा। हर रोज ये पार्क में जाएगा घूमने के लिए, पूरे दिन गेम में ही रहता है ये लड़का। देखो गेम इतना अच्छा लगता है इसको, देखो उधर कर लो, क्यों सबको दिखाऊंगी ना, उधर कर लो, सबको दिखाऊंगी मैं, अगर दिखाना है तो। सब देखो भी, देखो अक्की जो है ना बहुत ही गंदा बच्चा, ये गेम खेलता है, ये गेम बहुत खेलता है। देखो गाइस इनकी पागलपंती हो गई शुरू। अक्की पागल कौन? लक्की। मेंटल कौन? मैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मी ने पास अपलट दिया, गलत, वेरी बैड।